दादा झारखंड के युवाओं के लिए जो नीतियां हेमंत सोरेन सरकार ने बनाया था नियोजन नीति, वो नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब जो है आज जो वैकेंसी थी वो सारी रद्द हो जाएंगे, बच्चे परेशान है। इस नीति को आप कैसे देखते हैं सर, इस फैसले के? सर ये तो होना ही था और ये गलत नीति थी जिसका कि विरोध हमने सबसे पहले किया था। और हम तो सदैव कहते रहे, हेमंत जी को भी कहते रहे थे कि ये मैट्रिक इंटर वाली नीति नहीं चलेगी, ये गलत नीति है और ये कोई नियोजन का आधार नहीं होना चाहिए। परंतु हम आज धन्यवाद देते हैं माननीय उच्च न्यायालय को जिसके माध्यम से ये नीति को रद्द किया गया। हाँ, रही बात हमारे छात्रों के भविष्य का, तो इस पर सोचना चाहिए सरकार को। साथ साथ हम तो आग्रह करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय को कि हर एक चीज़ों को माननीय उच्च न्यायालय, कभी कभार जो गंभीर विषय होते हैं, जो वाइटल इशू होता है, उसको लेकर स्वतः संज्ञान लेती है। तो हम तो कहेंगे कि ये जो खतियान को लेकर पूरा झारखंड हमारा आंदोलित था, तो ऐसे समय में माननीय उच्च न्यायालय जी से हमारा आग्रह होगा कि वो सरकार को भी निर्देश दे ताकि खतियान के आधार पर हमारी स्थान नीति और नियोजन नीति बने, ताकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं अपना उज्ज्वल भविष्य देख सके। नियोजन नीति या खतियान आधारित जो आप बात कह रहे हैं, वो जब तक बनेगा तब तक कितना कितना लोग जो है सब बेरोजगार है, तो वो तो फिर पता चला राजनीति का वो शिकार हो गया, वो तो कहीं कुछ नहीं कर पाया सरकार जो है फिर। उम्र का भी वो नहीं, आज ये सरकार गलत दिशा में इस नीति को लेकर जा रही है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता था। अगर हम कहते हैं कि जैसे कि रघुवर जी नीति लाए थे और बहाल कर दिए लोगों को, ठीक उसी तरीके से करना चाहिए और उसके बाद में फिर यहाँ नवी सूची को लेकर भेजना चाहिए, या फिर ये जो अभी जो लंबा जो गैप होता चला जा रहा है, 14 सितंबर को पहले ये कैबिनेट में लाते हैं, 11 नवंबर को ये फिर विधानसभा में लाते हैं, उसके बाद अब तक इन्होंने क्या किया? अब तक राज्यपाल के पास क्या ये पहुंचे, क्या ये राष्ट्रपति के पास पहुंचे? हम तो कहेंगे कि हर एक दल के लोगों से इनको समर्थन मांगना चाहिए कि ये मामला हमारे राज्य हित में है और राज्य हित में जो मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों पर आप सबों का सहयोग हमें चाहिए, ये हमारा निवेदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए था। हम समझते हैं कि ऐसे मामले में कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं करता और हर एक व्यक्ति आज एक साथ खड़ा होता और हमारे यहाँ के छात्रों का उज्जवल भविष्य होता। जगन्नाथ पर तो बोल रहे हैं कि लड़के सरकारी नौकरी पे क्यों ध्यान दे रहे हैं, दूसरा दूसरा कुछ काम कर कीजिए, रहे, तब तक हम नीति बनाएंगे तो नौकरी देंगे। ये तो गलत बात है। इस पल्ला झाड़ तरीके रहे हैं आप। की बात होनी नहीं चाहिए। बच्चों के जो टैलेंट है, टैलेंट की कदर होनी चाहिए। और अगर कोई इस तरीके से मंत्री बयान दे तो हम समझते हैं कि ये चिंताजनक है। इस चीजों को देख रहे हैं, जो भी आप झारखंडी और झारखंडी हित में बात करते हैं, इसमें जी सबसे ज्यादा परेशान वो झारखंडी युवा हो रहे हैं, वो गार्जियन हो रहे हैं जो अपने बच्चों को बाहर भेजकर पढ़ा रहे हैं बिना अटेम्प्ट किए। उनकी उम्र निकल जा रही है, सरकार हर 5 साल में बदल जाती है, लेकिन बच्चों का भविष्य और तकदीर नहीं बदलता है। जी बिल्कुल, इसी सोच के साथ में हेमंत जी को लोगों ने यहाँ पर सत्ता में बिठाने का काम किया था। अब आप देखते होंगे जैसे हमारे बच्चे हमारे माँ बाप के प्यारे होते हैं, माँ बाप काफी तकलीफ के साथ उसे पालते हैं, सुख में दुख में उसे बड़ा करते हैं, और जिस दिन बच्चा बोलना शुरू करता है माँ या बाप, तो माँ बाप को काफी खुशी होती है। जिस दिन वो दौड़ना शुरू करता है उस दिन और खुशी होती है, और जिस दिन वो स्वावलंबी बन जाता है, खड़ा हो जाता है अपने पैरों पर, नौकरी करने लगता है, उस दिन सबसे ज्यादा खुशी होती है। ठीक उसी तरीके से हेमंत जी को यहाँ के लोगों ने पाला है, पोसा है, बढ़ाया है, सत्ता पे बिठाया है, और आज वही व्यक्ति जिस तरीके से बच्चा लात मारकर अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है, आज वही स्थिति बनी है कि हेमंत जी के द्वारा गलत गलत नीतियां लाई गई है जिसका खामियाजा हमारे यहाँ के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, हमारे झारखंडी खतियानी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये तकलीफ दे विषय है। और इस तरीके से हमारे ये जो विकास की मार्ग की हम बात करते हैं, विकास की धारा बहाने की बात करते हैं, तो अवरुद्ध होता है, चला जा रहा है। और हमें जहां पर पहुंचना चाहिए, जिस बुलंदी पर हमें आज जिस मुकाम को चूमना चाहिए, वहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। दादा कई विभाग ऐसे हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं, शिक्षा का हो, पुलिस का हो, और ऐसे अन्य कई विभाग है जो खाली पड़े हुए, लेकिन फिर भी जो है अभी रणनीति कुछ बना ही नहीं झारखंड के लिए। शुरू से आज देखिए, आज 20 साल 22 साल होने का हुआ है, तो ऐसे में कहां देखते हैं झारखंड को। जी और बिल्कुल, उन अधिकारियों के लिए जो ये नीतियां बनाते हैं, क्यों नहीं वो कोर्ट में, मतलब कैसे सिंगल नीति बेंच में बनाते ही हैं? अगर ये रद्द कर दे रहा है सिंगल बेंच ही, तो
तो अधिकारियों के बारे में आप क्या कहेंगे जो नीतियां यहाँ की बना रहे हैं? अधिकारी क्या सर, सबसे बड़ी तो यहाँ दुखदायी विषय यह है कि हमारे जो मुख्य व्यक्ति हैं, अधिकारियों के ऊपर कोई मॉनिटरिंग करने वाला अगर कोई है तो विभाग का मंत्री है, मुख्यमंत्री है। हमें तो सबसे ज्यादा उन पर ही भरोसा है और वही गलत करते चले जा रहे हैं, अधिकारी क्या करेंगे? अधिकारियों का इस पर क्या लेना देना है? अगर बाप ही गलत करे तो बेटे बेटे से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? तो आज स्थिति ये बन पड़ी है और अधिकारियों पर लगाम कौन लगाएगा? अधिकारियों पर सिकंजा कौन कसेगा? अधिकारियों पर आज उसका जो भी गलत प्रवृत्ति वाले लोग हैं तो उसे जेल भेजने का काम कौन करेगा? आज तो सर ब्लॉक में हो या फिर थाना में हो या फिर जिला मुख्यालय हो या सचिवालय हो या फिर मंत्रालय हो, हर एक जगह बगैर पैसे काम नहीं होता सर। और हम तो सिंपल सी बात करते हैं सर, जाति आवासीय के लिए बच्चों को पैसे लगते हैं, ओबीसी बनाने के लिए पैसे लगते हैं, उसके लिए रेसिडेंस बनाने के लिए पैसे लगते हैं, थाना में एफआईआर दर्ज करने के पैसे लगते हैं। तो आज हमारे झारखंड की ये स्थिति है और सारी स्थितियों का जिम्मेवार कसूरवार अगर कोई है तो वो व्यक्ति है हेमंत सोरेन। दादा मंत्री जी ने कहा है सहयोग मांगा है सबसे, जबकि कोई नीति नहीं बन रही है, सहयोग ये मांगा है कि पुलिस विभाग हो, पत्रकार हो, अन्य कोई हो, स्कूल में जाके पढ़ाइए। ये तो गलत बात है, ये सब बेतुकी बातें हैं। और अगर मंत्री इस तरीके की बातें करें तो हम कहते हैं ये अशोभनीय है, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। आपके पास सारा सिस्टम है, आपके पास सामर्थ्य है, आप हर एक चीजों को करने के लिए आप सक्षम है, तो फिर इस तरीके की बातें नहीं आनी चाहिए। 3 साल गुजर गए सरकार के, हेमंत सरकार के जी, लेकिन अभी तक कोई नीति नहीं बनी है, जो वादे थे वो विफल है। दूसरी बात कि अब जो बोलते हैं हम डबल बेंच में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उच्च स्तरीय लड़ाई करेंगे, तो ऐसे में युवा तो रोड पर है जी। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग तो कहते हैं ना कि बच्चे जो हमारे यहाँ के युवा युवती जो बरसों से बरसों से नौकरी की आस लगाए बैठे हैं कि हमारे लिए कोई नीति बनेगी, कोई नीतियों का निर्धारण होगा, निर्माता होगा नीतियों का, तो ये सारी चीजें अब तक देखने को नहीं मिल रही है, जो कि तकलीफ